ना दूध, ना मिल्क पाउडर, ना मेवा, ना मलाई और ना ही ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, अलग तरीके से रसमलाई की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और जितना खाने में टेस्टी है ना, उतना ही बिल्कुल आसान है बनाने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे बनाइएगा एक बार ज़रूर। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। और इसके सामने दूध की रसमलाई भी फीकी पड़ने वाली है, जितनी ये ज़्यादा टेस्टी है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुंह में जाते ही ना ये खुल जाएंगे, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हर बार एक ही रसमलाई खाते खाते बोर हो चुके हैं, तो आप इस रसमलाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है पाको और पाको की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड, ब्रेड के मैंने साइड साइड कटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ मैंने कुछ 10 से 12 ब्रेड लिए थे और इसके मैंने जो साइड कट किए हैं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और किसी भी स्नैक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस ब्रेड को हमें एक रखना है और इस तरह से कोई आप डब्बे का ढक्कन ले लीजिए या फिर कटर है तो कटर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी वाली ब्रेड का इस्तेमाल किया है, इसलिए उससे भी छोटी वाली डिब्बी का ढक्कन हमने लिया है और इस तरह से इसे कट कर लेंगे, यानी कि साइड वाले पार्ट हटा लेंगे। और इसका भी हम यूज़ करेंगे तो इसे हम साइड रख देते हैं किसी प्लेट में। और ये देखिए गोल शेप में ये बनकर रेडी हो चुका है, तो हम इसी तरह से इसे बनाएंगे। तो सारे ब्रेड का हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से देखिए हमने सारे काट कर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी जो कटिंग बची है, यानी वाइट वाले पार्ट की जो कटिंग बची है, उसे भी मैंने एक प्लेट में रखा है क्योंकि इसका भी हमें यूज़ करना है। तो इसे आप किसी प्लेट में रख लीजिए। तो अब हम इन सभी को साइड में पहले रख देते हैं। और अब हम लेंगे आम, पके वाले आम लेंगे। तो हमने यहाँ 3 आम लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े साइज़ के, और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। तो आम किस तरह का लेना है, जैसे कि इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए उस तरह का आप लीजिए। ये थोड़ी सी हल्की खट्टी और मीठी दोनों हैं। तो आपको मीठी आम लेना है तो आपको क्या करना है, या खट्टी आम लेना है तो आपको क्या करना है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, उस बातों का आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसका डंठल निकाल लिए हैं और इसका हम छिलका इस तरह से निकाल लेंगे। आप किसी पीलर की मदद से या फिर इस तरह से चाकू से आप छिलका निकाल लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से हमने सारे निकाल कर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो पल्प है वो निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो सारे ये भी निकाल कर हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने लिया है एक पैन और आंच को हमने अभी ऑन नहीं किया है फ्लेम को। तो हम ऐसे ही एक कटोरी पानी ले लेंगे और उसी कटोरी से हम लेंगे एक कटोरी चीनी और हम इसमें डाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम इसे चलाएंगे और इसे घुलने तक पकने देंगे। यानी कि मेरी थोड़ी सी खट्टी वाली आम थी तो उसके लिए मैंने बराबर कटोरी से मैंने चीनी ली है। आपकी थोड़ी मीठी वाली आम है तो चीनी आप कम कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो मिठास आप अपनी अनुसार से इसमें दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें ब्रेड डाल देंगे, जो हमने ब्रेड के टुकड़े वाइट वाले साइड साइड कट किए थे वो हम डाल देंगे, जो कट करके निकला था ना वो हम डाल देंगे। और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जैसा कि ब्रेड है तो ब्रेड बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस 1 मिनट के अंदर ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। और आंच को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पूरा पकाएंगे। और ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो हम इसमें ये आम का पल्प डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा स्पैचुला इस तरह से दबाते हुए चला लेंगे। और हमने इसे पीसा नहीं है क्योंकि इसी तरह का हमें बनाना है,
तो आप इसे पीसिए बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पैचुला चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चलाइए, बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा और सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, तो इसीलिए हमें पीसना नहीं है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से ये कुक हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा ये थिक है तो हम इसमें आधी कटोरी पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे, क्योंकि ये तार बार की चाशनी हमें नहीं बनानी थी, थोड़ी सी हमने चीनी मेल्ट करने तक पकाना था, तो चीनी के कारण ये थोड़ा सा थिक होने लगेगी। और ये देखिए ये पूरी तरह से हो चुका है, बस एक दो उबाल आ जाए तब तक के लिए इसे पका लीजिए। तो उबाल अच्छे से आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के धागे, 5 से 6 ले लीजिए, या फिर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है, क्योंकि आम का इतना अच्छा कलर ही है कि इसे डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए और उसके बाद एक उबाल आने तक पका लेंगे। अगर आप केसर डाल रहे हैं तो एक उबाल आने दीजिए फिर से, ताकि इसका जो भी कलर है अच्छे से इसमें आ जाए। उसके बाद ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ना बंद कर देंगे और इसे हमें अभी ठंडा नहीं होने देना है, इसे गरम गरम में ही काम करना है। हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से हम सारे ब्रेड को रखेंगे, आप जिस तरह से भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड रख लिए हैं, अब क्या करेंगे, गर्म गर्म में ही उसका आपका जो बैटर है ठंडा हो जाता है तो फिर से हल्का गर्म कर लीजिए। उसके बाद इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, डालने से पहले एक बार चला जरूर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए सारे पर, ताकि सारे अच्छे से कोट हो जाए, और इतने करने से ना ब्रेड बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ब्रेड में अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। बस 1 मिनट ही आपको वेट करना है, तब तक के लिए ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा खाने के लिए। उसके बाद चाहे तो आप ऐसे ही खाइए या फिर आप इसे फ्रीज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए और ठंडी ठंडी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी लगता है। और आप फ्रीज में रखें या ना रखें, बिना फ्रिज के भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा बिना दूध के मैंने बनाया, तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।